तो कैसे चल रही है आपकी जिंदगी? आज मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसे खुद स्वयं भगवान जी भी नहीं समझ पाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लकड़ियों की, आई मीन मेरा मतलब है लड़कियों की। अगर औरत को स्वयं भगवान जी भी नहीं समझ पाए, हम तो एक मामूली से इंसान है। हाँ, वही लड़कियां जिनको देखने के बाद 10 साल के बच्चे, जिनको अभी भी नहीं पता कि मुत्ते समय अपनी छोटी लुली पकड़नी चाहिए, उन्हीं 10 साल के बच्चों का भी छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। भाई आजकल 15 साल की लड़कियां भी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि वो 25 साल की हो, और तो और उनके नखरे फेसबुक पे देखने का तो भाई अलग ही मजा है। आज जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उसे सुन के शायद लड़कियों को बुरा लग सकता है, लेकिन इट इज द ट्रूथ। भाई आप सबको तो पता ही होगा कि एक्सपीरियंस डज मैटर। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो लड़कियां बिलो 18 की होती है ना, बिलो 18 की, भाई उनको तो लव और अट्रैक्शन के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, और ये फंडा तो लड़कों पे भी सूट होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों की। हर एक लड़की सोचती है कि वो दूसरी लड़कियों से अलग होती है, लेकिन ना पगली ना, तू दूसरे लड़कियों से अलग नहीं है, सिर्फ तेरी फकिंग सोच गलत है। जब किसी भी लड़की को पहला प्यार होता है ना, प्यार बोले तो लव, लव बोले तो इश्क, इश्क बोले तो अरे तेरी माँ की, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, इतने सारे लफ्ज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस्तेमाल की है। लेकिन खैर, जब भी किसी लड़की को पहला प्यार होता है ना, उसे लगता है उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। लेकिन लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, उसका वो सच्चा मुच्चा वाला प्यार स्विच होता रहता है। और जिसको भी ये बात सच लगी ना, भाई तू पहले से ही वो थम्स अप वाला लाइक का बटन दबा दे। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने दिल के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करती हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिन लड़कियों का नाम N से शुरू होता है, वो लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, और उनके साथ आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% सच है, लेकिन यार पढ़ा है तो पढ़ा है ना। लेकिन खैर, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। तो हाँ, लड़कियों की जिंदगी में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है स्तन। आ मेरा मतलब है धन, धन मनी। जिन लड़कों के पास धन होता है ना, भाई तू तो अमर है। ये बात सुन के बहुत सी लड़कियों को गुस्सा आ सकता है, लेकिन भाई क्या करूँ यार, रिव्यूज के लिए तो इतना तो करना ही पड़ता है। तो अब उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया था, सेक्स। भाई सेक्स सुन के तुम अपनी लुल्ली को ज्यादा जोर से मत पकड़ना, मैं ज्यादा डीप बात करने वाला नहीं हूँ, टेक केयर। वी ऑल नो सेक्स इज कॉमन नाउडेज, पर अगर तुम किसी लड़की को अपने स्कूटर पर बिठा के किसी झाड़ियों में ले जाके करने की सोच रहे हो, तो भाई तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके सो जाओ। पर अगर तुम किसी की कार ले जाके करने की सोच रहे हो ना, तो भाई तो मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, सही खेल गया बेंच। लड़कियों के तो भाई अलग ही फंडे होते हैं, उनको उनके बर्थडे के दिन ठीक रात को 12 बजे मैसेजेस, बाद में गिफ्ट, रोज सुबह शाम को गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस, अरे व्हाट द फक। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो तुम्हारे नसीब में धोखा पक्का है। ज्यादातर की धोखा बहुत से लोगों के नसीब में होता है, लेकिन उससे डील करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जब लड़कियों को तुमसे ज्यादा हैंडसम, पैसे वाला, गुड लुकिंग बंदा मिलता है ना, तो 70% चांसेस है कि वो तुम्हें डंप कर ही देगी। मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये फंडा सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो बिलो 18 है, और प्लीज इस वीडियो को इतना सीरियसली भी मत लेना कि मेरे नाम के नारे लगाए। और जब लड़कियां अपने केयरिंग बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती हैं सिर्फ उस पैसे वाले लड़के के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो उस लड़के के लिए तुम्हारी सारी फीलिंग्स पानी में मिला देगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। उसे ये नहीं पता होता है कि वही पैसे वाला लड़का उसे भी डंप करेगा दूसरी लड़की के लिए। और ये सब देखने के बाद उस लड़की के दिमाग में, हाँ वही दिमाग जो हालांकि लड़कियों के घुटनों में होता है, उसे समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। और यार प्लीज इस वीडियो को देखकर तुम लड़कियों को गलत मत समझना, रिस्पेक्ट देम, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, और जो भी लड़कियों को कहना था मैंने कह दिया है, सो आप कुछ मत कहिएगा। और ये वीडियो देखकर किसी को भी गलत फील हुआ है तो आई एम सॉरी, एंड यार शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव दैट थम्स अप बटन। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो चलो बाय।